आज बनाते हैं महाराष्ट्र में बनने वाली आलू की रस्सा बाजी। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही कम सामान में बन जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो चलो रेसिपी देखते हैं। कृष्ण स्नेह किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आलू की रस्सा भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करके लेना है। उसमें एक छोटा आधा चम्मच राई डाल देते हैं, एक छोटा आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। राई जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद उसमें एक चुटकी हींग डाल देते हैं। करी पत्ते के पत्ते डाल देते हैं, उन्हें भी अच्छे से तड़कने देते हैं। एक छोटा पाव चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। दो चम्मच कांदा लहसुन मसाला डाल देते हैं। आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो स्किप किया तो भी चलेगा। एक चम्मच धना पाउडर डाल देते हैं। सारे मसालों को भून लेते हैं। याद रखें, मसाला डालते टाइम गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। उसे भी मसालों के साथ थोड़ा भून लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक को भी अच्छे से मिलाते हैं। हमने दो आलूओं को साफ पानी से धोकर उसके छिलके निकाल कर उन्हें इस तरह क्यूब में कट करके लिया है, उसे डाल देते हैं और आलूओं को भी मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें डेढ़ ग्लास गरम पानी डालते हैं। गरम पानी डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। डेढ़ ग्लास गरम पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते हैं और सब्ज़ी को एक उबाल आने देते हैं। सब्ज़ी को उबाल आ गया है। अब हम इसमें रोस्टेड मूंगफली दाने का बारीक पिसा हुआ 4 चम्मच कूट डाल देते हैं। इससे हमारी आलू की सब्ज़ी को अच्छी बाइंडिंग आएगी और स्वाद भी बहुत बढ़ेगा। इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है और इसे 7 से 8 मिनट पकने देते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस बंद कर देते हैं। इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डालकर हम इसे एक सर्विंग कढ़ाई में सर्व करते हैं। इस सब्ज़ी को आप ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत झटपट कम मसाले में बन जाती है, स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप इस तरीके से एक बार आलू रस्सा भाजी बनाकर ज़रूर देखना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।